और क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं, जो पीड़ाएं हो रही हैं, वन बाय वन कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सारे मैं इस प्रशासन को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं, सुधर जाओ, तुम्हारे पास मौका है अभी, नहीं तो गोला लाठी देनी पड़ेगी तुम्हारे। समझ जाओ, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत समझने की जरूरत है, और पहले भी आप लोगों को गोला लाठी दे के दे रखी है। यही उदयपुर वाटी थी और यही प्रशासन था, इनके काले चश्मे जो चढ़े हुए हैं ना, वो उतर नहीं रहे अभी भी। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूं, सारे संगठित रहो, एकजुट रहो, किशन लाल भाई को न्याय दिलाना है, और जब तक न्याय नहीं मिले सभा स्थल से हमें सब तभी जाएंगे यहां से जब उस किशन लाल भाई को और उसके परिवार को न्याय मिले। कि वह सही है गलत है, जानबूझ के कांड किया तो पता चल जाएगा। ये पुलिस कर क्या रही है, ये बिगड़ा हुआ सांग है, 4.5 साल का भी सुधरा नहीं है उदयपुर वाटी का। अभी वही थानेदार, वही पुलिस वाले, वही टोपी वाले, वही सब है, वही है। इनको अभी थोड़ा सा यहां से चार्ज किया जाएगा ना, तब इनकी समझ में आएगी। ना रात को कोई गश्त लगती है, ना रात को कोई यहां किसी भी, आप बताइए, यहां उदयपुर वाटी में प्रॉपर जहां थाना रहता है, थाने के बराबर से आपके यहां लूट हो जाती है। इससे यहां के सीआई को और यहां की पुलिस को कितने शर्म की बात है। जिस दिन घटना हुई और उसको भर्ती करा गया था, उसी दिन रिपोर्ट आनी चाहिए थी। अभी बॉडी आई नहीं है, गार्जियन नहीं है कोई भी, तो मेरा मानना है कि कानूनी प्रक्रिया में अभी पुलिस को हमने कोई रिपोर्ट दी बताई, लेकिन कोई दर्ज नहीं है। मेरी जो जानकारी मूल जी कह रहे थे, आपसे सभी से निवेदन है कि बात को अदरवाइज नहीं ले भाई। पुलिस जब तक कार्रवाई कैसे करेगी जब कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो। आपने एप्लीकेशन दे दी, एक पुलिस का वाला गया, वो मौका देख के वापस आ गया, मौका भी नहीं देखना चाहिए था, किस आधार पर मौका देते। कानूनी है, कानून में यह है कि कम से कम कोई भी प्रकरण हो, कोई भी घटना होती है तो उसकी। प्रधान जी बताओ क्या हो गया उदयपुर वाटी को, उदयपुर वाटी को राम ही देनी है तारीसों के, बिकॉज सत्यानाश हो गरीब पर आवास में, बताओ क्या डट रहा है, कौन समझा जरूरत को नहीं, अरे सारे सभा समाज का और मंच न्याय मंच को ना, और केवल किसान गाय में न्याय दिलाने को मंच है, और आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हमको इनका जवाब देना पड़ेगा और उनको न्याय दिलानी पड़ेगी। आए दिन ऐसी घटनाएं चरम पर पहुंच चुकी है उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में, आए दिन नई नई घटनाएं, कभी गुज्जर समाज का, कभी माली समाज का, कभी एसी समाज का, एक एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो अब सोचने का समय है और वक्त जल्दी आने वाला है इनको मौत और जवाब देने का। पहले आज का अपना यही है, इस भाई को न्याय कैसे मिले, हम सब राय करके और सब इस साजन पे एक निर्णय लेंगे, उसके बाद में यहाँ उठना है। जिसका लाडला चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, उसके लिए ओछी राजनीति कोई करे या कोई पुलिस का अधिकारी ये कहे कि मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आई या मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, तो साथियों ये एक वैसी बात है कि जैसे कोई बहाना बनाने वाली और कान से खाने वाली बात है। मैं पुलिस प्रशासन को और उदयपुर वाटी प्रशासन को ये बात चेता देना चाहता हूं कि यहां से हम न्याय लेके उठेंगे, और भाई किशन के लिए अगर अपने खून की आखिरी बूंद भी देनी पड़े तो हम सारे मेरे युवा साथी बैठे हैं इसके, अपने उस परिवार को और भाई किशन को न्याय दिलाने के लिए हम एडी सचोटी का जोड़ लगाएंगे। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि उसके साथ जो, उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, एक कमाऊ भूत उनके परिवार का चला गया है, उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका हम पूरी तरह इंसाफ दिला के रहेंगे, और इस बात के लिए हम यहां से सौगंध लेके उठेंगे कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेंगे, कोई दलगत राजनीति नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मंच। और पुलिस को एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें अगर किसी तरह की कोई राजनीति हुई या अपराधियों को जो इसके दोषी है उसको बचाने का प्रयास किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोग सुबह 8 बजे से यही चर्चा कर रहे हैं, एक बार कुछ लोग कह रहे हैं बोले अठा का राज और अठा का अधिकारी,
मन तो राज भी ईसाई लागो और अधिकारी भी ईसाई लग गया। पहले अधिकारी जावाला भी ईसाई लग गया, रियावाला भी ईसाई लग गया। सुबरता हुई है जिन्हें मौत के घाट उतार दियो। अपनी सब लोगों की यही मांग है कि कम से कम FIR दर्ज होने के बाद में, बाकी कम से कम गिरफ्तारी हुए, गिरफ्तारी होने के बाद में अपन यो तो पता लगे कि इन्हें मारे क्यों है। इस पहले बहुत पार उदयपुर वाटी के मायने आज 4-4.5 साल के मायने थे देख रहे हो। आए दिन चाहे यही की घटना हो, चाहे चोरी चकोरी हो, चाहे कोई लूटपाट हो, मैं को 4.5 साल में यहाँ को राज अब सू पहले मैं तो देखे को ने, और मैं तो ए सरकार का नुमाइंदा बेटे आने भी कहना चाहवा कि सरकार सु मुरारी जी रुको एक बार, सरकार का आदमी बैठे, सरकार का आदमी बैठे अन कहो चाहे, मैं तो यह कहा सरकार सु कोई मदद हो सके थे करास को, चाहे वह मुख्यमंत्री जी सुकराओ, चाहे अठा का आला अधिकारी सुकरवाओ, इस परिवार की जितनी मदद हुआ बात आने करवानी चाहे थारी जासियो। मैं को ईसो सूख लो काम अठा का अधिकारियों को और अठा का राज का देने को, मैं तो अब सो पहले कड़ा ही गुण देखियो। ईसो नकटा आदमी बताओ, काल श्याम की आदमी 6-7 बजे खत्म होने के बाद में माने सूचना है, और 8 बताओ 1 घंटा बाद में जो अधिकारी बड़े जयपुर के निकल सी वह कह चाह रहे हैं कि ये लोग जिसका 500-700 हवा आदमी बैठा हो रहा है, यह थोड़ा तितर बितर हो जाए, परिवार वाला ने आधा लोग बड़े बैठे हैं आधा अठे बैठे हैं। पर मैं अधिकारी ने यह कहना चाहूँ कि ये भ्रमत रही हो दे, मैं 1 दिन नहीं 5 दिन में बैठ सका, और डेड बॉडी ने पटाजू लेने के बाद में फिर भी मैं कानून को उल्लंघन कर सका, रोड पर बैठ सका। अधिकारी तो गुंडा ही है, ए अधिकारी होता तो कम से कम परिवार का जगह लोगों से मिल लो चाहे हो। अब कहता हूँ यो SDM मैं तो आप ही भी कह रहे हो, ए राज का ए राज बैठे हो, ए राज चला वाला बैठे, SDM मायने बैठे, कम से कम बिना यो पता है कि लोग बाग बाढ़ बैठे, कम से कम कोई या तो कोई मैसेज करवा दो भाई चर्चा कर दो। वो SDM यो पल्लो आदमी कड़ा से ले आओ, वो राज कड़ा से जी SDM है, क्या बताओ जब 2-3.5 घंटा छोटे लोग बैठे हैं और इन जानकारी को ने जब अधिकारी से बात कराई है वो जवाब दी, बताओ वो थानेदार को जवाब है कि कोई जिसको थानो चलाओ है 2.5-3 लाख जगह के नीचे पर्जा है इसको जवाब थोड़ी हो। खैर मेरे को तो कोई आई, अरे क्षेत्र में क्या हालात भी टूटी गुन बना के बिना एप्लीकेशन बटाना जी। लाल हम शर्मिंदा है, जिस प्रकार से जहाज मालता के हमारे भाई दिन दहाड़े जिस प्रकार से हमारे भाई की हत्या कर दी गई, ये हम सब के सामने है। और जिस प्रकार से पिछले 4.5 साल में इस उदयपुर वाटी के अंदर जो घटित हो रहा है वो भी हम सब के सामने है। लाल भाई की हत्या हो गई, उसके बच्चे उसका परिवार आज क्रंदन कर रहा है, और पूरे विधानसभा को आज कितनी बड़ी पीड़ा है कि आज त्योहार होते हुए भी सारे लोग यहाँ उपस्थित है। लेकिन जिस प्रकार का नकारा पुलिस प्रशासन इस उदयपुर वाटी का है, इनके सर के ऊपर कोई जू भी नहीं रहने रही, बड़ी शर्म की बात है। और आज हमारे एक भाई के साथ फिर से ये घटना हुई है। थोड़े दिनों पहले हमारे भाई मणक सास का भाई था, उसके साथ ये घटना हुई थी। उससे पहले पूरे गांव में ये घटनाएं हो रही है, बार बार ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होना इस बात का संकेत है कि उदयपुर वाटी विधानसभा पूरे क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। को पता है कि गुनहगार कौन है, पुलिस वालों को भी पता है कि गुनहगार कौन है। ये घटनाएं क्यों घट रही है जी, सबको पता है ना क्यों घट रही है और कौन करवा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि अपने बीच कौन खड़ा रहता है और कौन अपने बीच में नहीं आ रहा, ऐसे लोगों की भी सूची करनी जरूरी है, क्योंकि आए दिन छोटे छोटे टुकड़ों में आपसी आप सारे की। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का मालिक इस टाइम पे कौन है बताइए, आपकी ड्यूटी क्या बढ़ती है इस समय। अगर कोई और दूसरा होता
तो आप बड़ा हंगामा खड़ा करते। आज हम इतनी संख्या में आपके बीच न्याय मांगने के लिए आए और आप चूचपाट तक नहीं कर रहे। साथियों समय है, क्या आने वाले 3 महीने के अंदर आप में से हमने से मर्डर, मेरा भी मर्डर हो सकता है, आज ही कह रहा हूं मैं ये बात, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जब जान जा रही है, पिछले दिनों बाबूलाल की गई थी, फिर मदन मणकस की गई है, आज इस भाई की गई है। एसडीएम मारी सुन रहे नहीं बाबा जी, मारी सीआई सुन रहे नहीं मारी, अरे तो कहे सुना गए हो, हाथ बंद रहे आका, हाथ कौन बांध मिले हैं, मेरा कोई कहता नहीं, मेरा कहना था कौन हाथ बांध मिले हैं, मूंज की जेवड़ी ले लो और बोझ को हाथ बांध मिले भी गड़ा के गाल दे और पानी गिरो मूंज की जेवड़ी पर, कट बंद होगा ना जड़ा सुनेगा है आया कौन सुने भाई जी, बहुत पीड़ा है। देखो तो मालिक बेटे पर हौसला बंद आदमी यार, यही गांव का है, पुलिस हड़ा छानो है गए डाको नड़ा छाना है गए कोनी ना डाकड़े नड़ा छाना है गए कोनी ना, तो ये जगह ने छने मेरा कूड़ तो मर्डर कर गए और कौन कौन कर रहे हो, इसलिए